जी वो मैडम जी गाड़ी तो यही है, कहीं गाड़ी मिल रही है तो डेड बॉडी मिल जाएगी। छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो? हो जाएगा मैडम जी, हो जाएगा, गिर गई होगी, हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगी। इसे कैसे घूम गई? और मैं आ रही हूँ, मैं वहीं आ रही हूँ। पूरा के सिर्फ वो खाई नहीं, पूरा के पूरा घाट छाट मार। अरे दीदी का तेरी हेयर और मेकअप वाले बाल नहीं पड़े? अभी रितिका कैरेक्टर का कैरेक्टर ऐसा है कि वो पूरी दुनिया को नर्वस कर देगी। खुद तो मतलब इट्स ओनली अ प्लानिंग, उसमें कुछ नर्वसनेस नहीं है, गुस्सा है और प्लानिंग है। और देन शी ट्राइज टू काम हर डाउन क्योंकि शी इज प्रेग्नेंट। तो बेसिकली उसके वही ट्रेट्स हैं। अभी नर्वसनेस वाले नहीं है, बट हाँ उसको अभी गुस्सा आ रहा है बिकॉज एक्चुअली उसने ईशानी को मारने के लिए सुपारी वुपारी दिया। अभी वो उसको पता चल गया दैट शी इज डेड, तो और भी खुश है कि अब मुझे अच्छे से तैयार करो, मैं दुल्हन बन रही हूँ। बट फिर उसको पता चलता है कि डेड बॉडी नहीं मिली, तो उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद उस लोकेशन वहाँ पे जाएगी जहाँ पे वो गाड़ी उसकी क्रैश हुई। तो हाँ वही सीक्वेंस अभी हम कर रहे थे। तो बीच में वो अपनी जो सारा तैयारियाँ जो वो रेडी हो रही थी वो बीच में छोड़ के शी रन्स देयर। तो दैट वाज व्हाट वी वर शूटिंग राइट नाउ। क्योंकि अभी भी उसको बहुत इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं कि जब भी ईशानी सामने होती है एंड रणवीर हैज टू चूज बिटवीन दीज टू, तो रितिका को वो भूल ही जाती, जो भी घर पे वो कसम खा ले कुछ भी, बट जब ईशानी सामने आती है वो ही उसका ट्रू लव है, तो वो इनसिक्योरिटी वो जेलसी बनती इकट्ठी होते 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 वो रितिका को कुछ और ही बना दिया है उसने। तो इट्स बेसिकली दैट। और हाँ एक और रितिका का जो हमेशा से ही सपना था कि उसकी शादी हो, कोई उसके बच्चे का बाप बने, वो जो पूरा पूरा हो ही नहीं पा रहा, एक दो तीन सारे लोग एक एक करके जा रहे हैं, तो शी इज टर्न इनटू दिस साइको। या काफ़ी कुछ अभी तो और भी काफ़ी कुछ पता चलने वाला है आपको, कल रात के एपिसोड में ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी कुछ रिवील किया है। बट हाँ दिस इज द बेसिकली रितिका मतलब राज। थैंक यू। मेकअप मैं हमेशा खुद ही करती हूँ अपना, और हेयर अच्छे से बनाया, अभी पूरा हुआ नहीं क्योंकि अभी हुआ नहीं है एक्चुअली। हेयर सीन यही था कि वो हेयर ड्रेसर आके मेरे बाल बना रही है, अभी उसको गजरे लगाने हैं, सब करने हैं, उसने मुझे एक छोटी सी बनाई है बस उसको, लेकिन अभी उसके ऊपर फ्लावर्स लगाने हैं, सब करने हैं, फिर सर पे दुपट्टा आएगा प्रॉपर, बट उससे पहले ही रितिका को भागना पड़ जाता है। और अबाउट द ड्रेस, हाँ मुझे ऑरेंज कलर मेरा बहुत फेवरेट कलर है, ऑरेंज एंड पीच बोर्ड, और मुझे शो में बहुत सारे कलर पहने के लिए मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी। और आज मुझे ब्राइडल में भी है, पिछली बार जब मैं ब्राइड बनी थी तो आई थिंक आई वॉज वेयरिंग रेड, अभी मुझे ऑरेंज दिया है, समथिंग डिफरेंट, सो आई एम लविंग दिस एक्चुअली कलर। सब कहते हैं कि मुझे बहुत सूट करता है, तो आप बताइए अच्छा लग रहा है कि? आई लव इट टू। जब मेरे ट्रायल होके आया था मैंने कहा था वाओ आई लव दिस, मैंने स्टाइलिस्ट को एक पप्पी दे दी थी। ज्वेलरी हाँ मैंने तो सबसे पहले चूज़ किया है कि सबसे लाइट वाले इयर रिंग्स कौन से हैं, क्योंकि ये 10-10 दिन तक कंटिन्यूटी चलता है, पहले दिन सजने के लिए तो सबसे हैवी उठा लेते हैं, लेकिन जब बाद में वाट लगती है ना और 12 घंटे तक पहनने पड़ते हैं इयर रिंग्स, तो मैंने कहा जो लाइट वेट है उसी वाला नेकलेस पहनने वाली हूँ, तो आई वोर दिस वन। थैंक यू। कुछ शॉर्ट तो ना ऐसे Yeah.